वहीं चमोली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संघ चमोली का अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी रहा। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के पदों का कार्यात्मक एकीकरण किए जाने के विरोध करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। संगठन के जिला महामंत्री विपिन सेमवाल का कहना है कि शासन की ओर से आदेश जारी करके ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के पदों का कार्यात्मक एकीकरण किया गया है, जो कि उनके संगठन को मान्य नहीं है। उनका कहना है कि इससे उनके संवर्ग के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। हमारी मांग यही है कि जो फंक्शनल मर्जर का आदेश शासन के द्वारा किया गया है और जो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि ये जनहित में आदेश किया गया है, तो हमारा पूर्ण रूप से विरोध है कि ये फंक्शनल मर्जर के रूप में जो भ्रम फैलाया जा रहा है इसको बंद किया जाए, ये आदेश निरस्त किए जाएँ और पूर्ववत जो पंचायती राज संस्थाएँ कार्य करती रही है उनको आगे बढ़ाया जाए और पंचायती राज को मजबूत किया जाए, न कि अन्य जो भ्रम फैला के अन्य विभागों का अतिक्रमण ग्राम पंचायतों में हो रहा है और पंचायती राज विभाग को ये समाप्त करने की एक साजिश है जिसका हम घोर विरोध करते हैं। मांगे यही है कि या तो हमारा जो पंचायती राज विभाग है उसका या तो पूर्णतः विलय कर दीजिए ग्राम्य विकास के साथ, या फिर ये हमें फंक्शनल मर्जर जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे काम जो हमने अभी हम नए हैं हम भी जो आए हैं तो हमने अभी इन चीज़ों को नहीं सीखा, तो इन चीज़ों में भी हमें काफ़ी वक्त लग सकता है, इन चीज़ों के जो हमारे कार्य हैं वो बाधित हो सकते हैं, तो हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं जो पूर्णतः जो चल रहा है पहले से वही अभी भी चलता रहे, और या फिर हमें वही चाहिए, पूर्णतः विलय चाहिए।